अगर आप एक कमजोर इंसान हो तो सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं समझता, आपको इग्नोर करता है, रिजेक्ट करता है, आपकी बेइज्जती करता है, आपके साथ नहीं रहना चाहता। एंड ऐसे बहुत सारे लोग आपके साथ ये करते हैं। ये कोई भी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड, क्रश, फ्रेंड या कोई इंसान या कोई भी। तो अगर आप चाहते हो कि उन लोगों को एंड दुनिया को उसकी औकात दिखाना चाहते हो कि वो लोग आके तलवे चाटना स्टार्ट कर दे, दुनिया आपके पीछे पागल रहे, जो लड़कियां पसंद नहीं करती थी वो आपके पीछे पड़ जाए, तो वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को एक लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर दोगुना हो जाता है। पॉइंट नंबर 1, चैलेंज एक्सेप्ट करो। जो लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं ना, जो लोग तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, वो लोग एक्चुअल में तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं। वो तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम उनके लायक नहीं हो, वो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते हैं। रिमेम्बर गाइज, जो चीज तुम्हें चैलेंज करती है वही तुम्हें चेंज भी करती है। जब लोग तुम्हारी बेइज्जती करें, रिजेक्ट करें, इग्नोर करें, वैल्यू ना दें, तो समझो कि ये अच्छी बात है। वो तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और खुद को इतना बेहतर बना के दिखाओ, खुद को ऐसा इंसान बना के दिखाओ कि उनका वजूद हिल जाए। मुझे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए, फायदा ये हुआ साहब कि मैं तैरना सीख गया। तो जब भी खुद को अकेला फील करो तो समझ जाओ यही वो वक्त है जब मुझे खुद को कुछ बनाना है, लोगों को उनकी औकात दिखानी है। क्योंकि जब आप कुछ बन जाते हो तो वही लोग आते हैं आपकी तलवे चाटने, वही लड़की आएगी कि यार एक बार माफ कर दो प्लीज। एक बात जान लो, किसी को इतना महत्व नहीं दे देना चाहिए कि वो हमारे चेहरे से मुस्कान छीन ले, और जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। तो खुद को ऐसा बनाओ कि लोग पगला जाएं कि यार ये बन गया ऐसा, हाँ ये, और फिर ना चाहते हुए भी उनको आपके पास आना पड़े, आपसे बात करना पड़े, एंड तब आप दिखाओगे एटीट्यूड। पॉइंट नंबर 2, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन। गाइस, हम अपने लाइफ में बहुत लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, और जब हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी से कि ये इंसान ना ये कर देगा, ये मेरा इतना खास है, ये बंदा मेरी हेल्प करेगा, ये करेगा, वो करेगा, सब कुछ करेगा मेरे लिए, वो एक्सपेक्टेशन टूट जाता है, उम्मीद टूट जाती है, और कसम से बहुत बुरा लगता है जब किसी से उम्मीद लगाया हो और वो टूट जाए, हार्ट ब्रेक हो जाता है। राइट, कमेंट करना कि आपने किसी से उम्मीद लगाई हो और वो पूरा नहीं हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट जरूर करना। कोई दोस्त ही कहता है चलना दे देंगे एग्जाम, अरे मैं बता दूंगा यार, बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, और वहाँ पे कुछ नहीं बताता। या किसी से एक्सपेक्ट किया हो कि हाँ यार वक्त आने पे ये मेरी हेल्प करेगा और वो नहीं करता, दिल टूट जाता है। कहा जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ये भी है कि इस दुनिया के लोग उम्मीद बहुत तोड़ते हैं। तो किसी से उम्मीद लगाओ ही मत, मत करो एक्सपेक्ट किसी से। रियल मैन, रियल हीरो वही होता है जिसके पास हमेशा एक बैकअप प्लान हो। अगर किसी से उम्मीद लगाते हो उसके बिना वो काम रुक सकता है, तो बैकअप प्लान भी रखो ताकि आपका काम रुक ना पाए और आप किसी के मोहताज ना हो। खुद को इतना अच्छा बनाओ, खुद को इतना बुलंद करो या आपको किसी से उम्मीद लगाने की जरूरत ना हो, एक सेल्फ मेड इंसान बनो। अक्सर जब हम किसी सेल्फ मेड इंसान से मिलते हैं जो अपनी लाइफ को हैंडल कर रहा है खुद से, हमें बहुत अच्छा लगता है। वैसे इंसान कभी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि जब चलना है अपने पैरों पे तो उम्मीद क्या करना गैरों से। दूसरों से उम्मीद मत रखो, खुद के दम पे जियो, और जब आप खुद के दम पे जीते हो ना तब लोगों को लगता है कि इसका वजूद है, इसके अंदर दम है, और फिर दुनिया आपको सलाम ठोकती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर चैट करके बातें शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पॉइंट नंबर 3 है, लिमिट में वैल्यू दो। देखो, आप जब भी बोलो काफी स्वीट बोलो, जिसके साथ भी बात करो काफी अच्छे बिहेवियर में बात करो, लेकिन जो फिर भी औकात पे आए, बीच बीच में आपकी लेना चाहे मजे, तो उसको दिखा दो उसकी औकात। किसी की भी वैल्यू उतनी ही करो जितनी उसकी औकात है। औकात से ज्यादा किसी की वैल्यू करोगे तो सर पे चढ़ के मुतेगा, उसका एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा, वो आपको छोटा समझने लगेगा, चाहे कोई भी हो, लड़की ही है, रिस्पेक्ट ठीक है, लेकिन वैल्यू औकात से ज्यादा नहीं। औकात से ज्यादा वैल्यू करोगे उसे लगेगा अरे ये तो मेरे पीछे पागल है, ये तो मेरे बिना मर जाएगा, मरने दो साले को। ऑब्वियस सी बात है यार, यही सोचते हैं लोग। वो सोचते हैं यार इसमें तो कोई दम ही नहीं है। हर इंसान की प्राइस होती है, प्राइस यानी उसकी औकात, उसका स्टैंडर्ड। सिंपल थिंकिंग रखो, जो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करो, जो आपके साथ बुरा बिहेव कर रहा है उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करो, तभी उसको उसकी औकात समझ आएगी, तब देखना दुनिया कैसे सलाम ठोकती है आपको। बुरे के साथ बुरा, अच्छे के साथ अच्छा, यही दुनिया की रीत है। ये जो फॉलो करे उसे दुनिया सलाम ठोकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, एंड वीडियो को शेयर कर दें, एंड भाई को इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।